योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, हो आओ सारे बने गृहस्थ योगी। आइए मंत्रोच्चारण होगा। सर्वप्रथम मन से बोला जाएगा, पश्चात आप अनुकरण करेंगे। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्ति शान्ति। हे परम पिता परमेश्वर, आप हम सभी की साथ साथ रक्षा करें। हम सभी साथ साथ विद्या को प्राप्त करें। हम सभी को विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त हो। हम सभी की विद्या तेजस्वी हो। हम कभी भी एक दूसरे के विरोधी ना बने। सभी को आदिभौतिक आदिदैविक एवं आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। मातृशक्ति आदरणीय बंधु, तीन दिवसीय अखिल भारतीय योग प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन के प्रथम सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। शिविर का आज का शुभारंभ अपने आध्यात्मिक पक्ष को लेकर के हम करेंगे। चित्त शुद्धि साधना पर कुछ देर चर्चा करेंगे, फिर उसके व्यवहारिक पक्ष पर अभ्यास करेंगे। कल हमने चित्त के मलों की बात की थी, छह प्रकार के मल बतलाए थे, और उससे पूर्व साधना में कितने प्रकार की बाधाएं होती हैं उस पर भी हमने चर्चा की थी। हट प्रदीपिका के अनुसार छह बाधक तत्वों के ऊपर चर्चा हुई। महर्षि पतंजलि द्वारा योग दर्शन में बतलाई गई नौ मुख्य विक्षेपों के ऊपर चर्चा हुई, पश्चात पांच उप विक्षेपों के ऊपर भी चर्चा की गई। इन बाधक तत्वों को हम कैसे हटाएं, चित्त को शुद्ध कैसे करें? महर्षि पतंजलि ने चित्त को शुद्ध करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए पांच उपाय बतलाए। कितने? पांच। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, वैराग्य और निद्रा ज्ञान। निद्रा ज्ञान का आलंबन। साधक इन सब का अनुष्ठान करते हुए अपने चित्त को शुद्ध कर सकता है। उसमें से केवल एक विषय आज उठाएंगे, प्राणायाम। प्राण की साधना किस प्रकार मेरे मन को शुद्ध और पवित्र कर सकती है, कैसे मेरे
चित्त पर जमा मलों को हटा सकती है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा होगी ये मेरे आध्यात्मिक पक्ष को विकसित करने के लिए। महर्षि पतंजलि एक बहुत महत्वपूर्ण मास्टरपीस जैसे कहते हैं, उनमें से ये सूत्र, उनमें गिनती होती है। प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्रच्छदन और विधारणा, ये दो प्राणायाम हैं। दोनों को मिलाकर के इकट्ठा करके देखो, अगर आप सामान्य अर्थ देखो तो कपालभाति का दूसरा नाम है ये, जिसका मतलब है कोठा में स्थित, विस्तार में बाद में समझेंगे, पहले उस शब्दों पर चले जाएं। कोठा में स्थित वायु को शक्ति पूर्वक बाहर फेंकना प्रच्छदन प्राणायाम कहलाता है। कोठा जो शब्द प्रयोग में लाया गया, कोष्ठ से लाया गया, जिसको फेफड़े कहा जाता है। फेफड़ों में जो वायु है उसको जब हम शक्ति से बाहर फेंकते हैं तो उसे प्रच्छदन प्राणायाम कहते हैं। बाहर फेंकी हुई वायु को बाहर ही फेंक दे, रोक देना विधारण प्राणायाम बन जाता है। क्या बन जाता है? विधारण प्राणायाम करने के बाद श्वास को भीतर भर करके भीतर ही रोक लेना। प्रच्छदन विधारण जो है ना, विपरीत कुंभक को कहा गया, जो कल आप पूछ रहे थे, विपरीत कुंभक का एक बहुत महत्व है। प्रच्छदन प्राणायाम में आपका बाह्य कुंभक तक आ जाएगा। कोठा में स्थित वायु को शक्ति से बाहर फेंकने के पश्चात वायु को बाहर ही रोक देना प्रच्छदन प्राणायाम कहलाता है। यदि श्वास को दोबारा अंदर भर करके अंदर ही रोक लें तो वो विधारण प्राणायाम बन जाएगा। जब मैं इस प्रकार से बार बार इसका अभ्यास करता हूँ तो मेरे कुंभक की स्थिति बढ़ने लगेगी और उससे मेरा मन शांत होगा, क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल मेरे अंदर के मलों को, मेरे इंद्रियों को वैसे ही शुद्ध करता है जैसे धातु को अग्नि में तपा करके धातु को शुद्ध कर लिया जाता है। दोबारा बोल रहा हूँ, जैसे अग्नि में धातु को तपा करके धातु को शुद्ध किया जाता है, ठीक उसी प्रकार प्राणायाम रूपी अग्नि में, प्राणायाम रूपी अग्नि में इंद्रियों को तपा करके उनको शुद्ध कर लिया जाता है। अर्थात इंद्रियां मेरे वशीभूत हो जाती हैं। हमारा जो संपर्क है वो इंद्रियों के माध्यम से ही बाहरी जगत से जुड़ता है। जब इंद्रियां ही मेरे वशीभूत हो जाएंगी तो उसका सीधा अर्थ होगा कि मैं अंतर्मुखी हो गया, और अंतर्मुखी होने का सीधा अर्थ है कि मेरा मन शांत हो गया, और मन शांत होने का सीधा अर्थ है कि मैं ध्यान में जाने का अधिकारी बन गया। धयन्ते धमाय मानाना नाम धातु नाम ही यथा मला तथे इंद्रियाणाम धयन्ते दोषा प्राणस्य निग्राहत। इसका सीधा अर्थ है जैसे धधकती हुई अग्नि के अंदर आप धातु को डाल देते हैं, धातु शुद्ध हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उससे हमारे भीतर जो अग्नि पैदा होती है उससे हमारी इंद्रियां भी शुद्ध हो जाती हैं। धयन्ते धमाय मानाना नाम धातु नाम ही यथा मलाह तथे इंद्रिया नाम धयन्ते दोषा प्राणस्य निग्राहत। वास्तव में ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को रचने के लिए, इसको बनाने के लिए दो चीज़ें बनाई, एक रई और दूसरा प्राण। रई कहते हैं मूर्त अमूर्त पदार्थों को, किसे कहते हैं बोलिए? मूर्त अमूर्त पदार्थ। मूर्त अमूर्त पदार्थ में धरती भी आ गई, सूरज और चांद और तारे भी आ गए, सभी ग्रह और उपग्रह भी आ गए, और प्राण ऊर्जा है, शक्ति है। जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं
प्राण के कारण यथास्थान रहते हुए अपने कार्यों को संपादित करते हैं। प्राण उसे ऊर्जा देता है, प्राण उसे ऊर्जा देता है। आप कल्पना कर लीजिए, ऐसा साइंस मानती है कि धरती घूमती है सूरज के चारों ओर, आप भी मानेंगे क्योंकि आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। मेरी ये उंगली यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती जब तक मेरे शरीर में ऊर्जा ना हो, ये बात भी आप मानेंगे। आपकी पलक झपक नहीं सकती अगर आपके शरीर में ऊर्जा ना हो। तो इस धरती को सूरज के चारों तरफ इतनी स्पीड से इतनी बड़ी वस्तु को घुमाने के लिए आप नॉर्मल सोचो, क्या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है? बोलिए। तो मेरे ईश्वर ने इन मूर्त अमूर्त पदार्थों के द्वारा संपादित होने वाले कार्यों को करने के लिए एक ही ऊर्जा बनाई, उस ऊर्जा का नाम है प्राण। अगर मैं इस ब्रह्मांड को एक वाष्प यंत्र के रूप में देखूं, अगर मैं इस ब्रह्मांड को एक मशीन के रूप में देखूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस मशीन को चलाने वाली ऊर्जा प्राण है। जैसे आपने कोई मशीन बना दी तो बिजली तो चाहिए, मशीन चलेगी कैसे? तो ये जो ब्रह्मांड बना दिया, जो ये ब्रह्मांड रूपी मशीन बना दी, इस मशीन को चलाने के लिए कोई ऊर्जा चाहिए, तो वो दूसरी ऊर्जा क्या है? प्राण। और ये कुर्ता जो पहना हुआ है, टेलर ना होता तो इस कुर्ते को कोई बना सकता था क्या? बोलिए। इस लैपटॉप को बनाने वाला कोई तो होगा। तो आप फिर मान लीजिए कि इस ब्रह्मांड रूपी मशीन और प्राण रूपी ऊर्जा को मेरे इंजीनियर रूपी प्रजापति ने बनाया है। मेरे इंजीनियर रूपी कौन है वो इंजीनियर? मेरा प्रजापति। कौन है मेरा वो? ईश्वर, मेरा भगवान। उसने इसे बनाया है, वह उसी ने इसको बनाया है और वही इसे चलाता है। उसको और कोई दूसरा चला ही नहीं सकता। जिसको गाड़ी चलाने का ज्ञान ना हो तो वो गाड़ी चला नहीं सकता। इस ब्रह्मांड को आप चला सकते हो क्या? तो इस ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई शक्ति तो है, ऐसे थोड़ी चलता है कोई चीज़। आपकी कार बाहर खड़ी है, अपने आप चल करके आपके घर पहुंच जाएगी क्या? उसको कोई चलाएगा तो वो आपके घर पहुंचेगी प्यारे। तो इसलिए इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई तो शक्ति है उसके पीछे, और वो शक्ति कौन सी शक्ति है? बोलिए। आस्तिकता को लाने के लिए, ध्यान में जाने के लिए हमें बात को समझना होगा। इसको बोलते हैं ज्ञान योग। जब आप तर्क वितर्क के साथ उसे समझ करके जब चलते हो तो फिर आपका आध्यात्मिक पक्ष अपने आप विकसित होने लगता है, और यही सच्चा अध्यात्म है। ये प्राण जो है, इसके दो रूप हैं। जो ये प्राण रूपी ऊर्जा है, इसके बोलिए कितने रूप हैं? एक को कहते हैं समष्टि प्राण और दूसरे को बोलते हैं व्यष्टि प्राण। बहुत साधारण भाषा में समझाया जाएगा, लेकिन बहुत सुंदर विषय है अध्यात्म की। मैं तो कहता हूँ कि ये वो उच्च कोटि की वार्ताएं हैं जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं। एक समष्टि प्राण और दूसरा व्यष्टि प्राण। समष्टि प्राण इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, और व्यष्टि प्राण उसका वह सूक्ष्म रूप है। जब इस पिंड शरीर के संपर्क में आता है तो जीवित शरीर की सभी क्रियाएं व्यष्टि प्राण के द्वारा संपादित होती हैं। जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके शरीरों के द्वारा जितनी क्रियाएं संपादित होती हैं वो व्यष्टि प्राण के द्वारा होती हैं। इसका मतलब मेरे शरीर में जो प्राण है उसको क्या कहेंगे आप? ये व्यष्टि प्राण आगे फिर दो भागों में विभाजित होता है। पूरा योग का विषय है और अध्यात्म के साथ जुड़ जाएगा। स्थूल प्राण और सूक्ष्म प्राण। आज हमारा विषय सूक्ष्म प्राण रहेगा, ये पहले बता दो। बस वहां जाने के लिए मार्ग पकड़ा जा रहा है। स्थूल प्राण हमारे शरीर में, फिर उसको हम प्राण और उपप्राण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पांच प्राण और पांच उपप्राण।
समान प्राण पाचन का काम करता है, वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा बस। अपान प्राण निष्कासन का काम करता है, मुख्य प्राण श्वसन का काम करता है, उदान प्राण समष्टि और व्यष्टि प्राण का संबंध स्थापित करता है, उसके बिना ये जीवन संभव नहीं है, और व्यान प्राण पूरे शरीर के अंदर विचरण करते हुए आपकी रक्त भ्रमण प्रणाली को देखता है। नाग प्राण ट्रेकिया और ओसोफोगस ट्यूब के अंदर निगलना, खांसी करना, ये जो आप छीके भी के करना, ये काम करता है। क्रीकर भूख का आभास कराता है, कूर्म संकोचनीय कार्य करता है, धनंजय मृत्यु के समय विघटन का कार्य करता है। विज्ञान भ्रमण का कार्य करता है, नालियों के अंदर जो प्राण शक्ति घूमती है। देवदत्त है वो, देवदत्त। धनंजय जो है ना वो विघटन का कार्य करता है, जो मृत्यु हो जाती है तो इस शरीर से जो पंच जो प्राण छूटते हैं वो धनंजय के माध्यम से छूटते हैं। सूक्ष्म प्राण अगर साधारण भाषा में समझें, ये मेरे ईश्वर के द्वारा इस शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अंश है, जिसको दिव्य ऊर्जा कहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी जिसे आप कहते हैं। इसकी विजिबिलिटी की बात नहीं करनी, इसे आप शरीर में सॉफ्टवेयर की तरह देखेंगे, लेकिन इसके बिना कोई चीज संभव नहीं है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार है, बेकार है। आपके घर में टेलीविज़न हो, आजकल तो मास्टर दूसरे वाले पता नहीं क्या बोलते हैं, वो टेलीविज़न आ गए और उसकी हार्ड डिस्क चली जाए, हार्ड डिस्क समझते हैं, और जिसमें प्रोग्रामिंग वगैरह होती है, तो टीवी लगा हुआ तो सबको दिखेगा, लेकिन आप उसमें समाचार नहीं देख सकते। फिर बस ऐसे ही है आपके शरीर के अंदर ये दिव्य ऊर्जा, ऐसी है ये कॉस्मिक एनर्जी, ऐसी है ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, और ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा मेरे शरीर के भीतर सुषुम्ना मार्ग पर स्थित विभिन्न चक्रों से निकलने वाली असंख्य नाड़ियों और उपनाड़ियों से बहती हुई मेरे शरीर के प्रत्येक अंग और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है, जिससे मेरा यह रहस्यमय जीवन चलता है, जिससे मेरा ये रहस्यमय जिन नाड़ियों से ये बहती है उन्हें हम सूक्ष्म नाड़ियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाड़ी नाद को भी कहते हैं, नाड़ी चैनल को भी कहते हैं, नाड़ी नली को भी कहते हैं। जहाँ से कोई चीज़ बह जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई चीज़ प्रवाहित हो जाए, उसे नाड़ी हम यहाँ कहते हैं। डॉक्टर लोग इसे नर्व्स बोलते हैं, वो सूक्ष्म वो स्थूल रूप है उसका, क्या है, लेकिन अध्यात्म के अंदर जब हम नाड़ी की बात करते हैं तो वो अदृश्य हैं। क्या है वो? जो आप 72,000 से अधिक नाड़ियों की बात करती हैं तो ये नाड़ियाँ शरीर में अदृश्य हैं। क्या हैं? अदृश्य नाड़ियाँ हैं, जो कि मेरे शरीर के इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्रों से इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को लेकर के शरीर के भिन्न भिन्न अंगों भिन्न भिन्न भागों तक लेकर के जाती है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाड़ियों के बारे में आज शॉर्ट में थोड़ा समझेंगे, ताकि अभ्यास का समय भी पूरा मिल जाए हमें। आइए सबसे पहले गंधारी और हस्त जीवा नाड़ी, ये सूक्ष्म नाड़ियां हैं जिनसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहती है। डॉक्टर लोग इसके स्थूल रूप को मानते हैं, आप एक वर्ड यूज करते हैं ऑप्टिक नर्व, ये वर्ड यूज करते हैं। अगर किसी को बिल्कुल दिखना बंद हो जाए और उसका आँखों का इलाज भी संभव ना हो, तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो चुकी है, अब वो रीजनरेट नहीं हो सकती, इसलिए इनकी आँखों में रोशनी नहीं आएगी,
ऐसा बोलते हैं ना, तो इसका मतलब आँखों से कोई ऐसी स्थूल नाड़ी अंदर गई है। ये स्थूल रूप है जिसको विज्ञान मानता है, और जो साधना में हमारे ऋषि मुनियों ने माना, उन्होंने ये दो ये मैंने कौन सा ले लिया, ठीक ले रहा हूँ ना, गांधारी और हस्तधीवा। गांधारी का बाएं नेत्र से और हस्तधीवा का दाएं नेत्र से संबंध है। जब मैं इस नाड़ी की साधना करता हूँ, तो सबसे पहले अगर आप स्थूल रूप में देखें तो आपकी आईज की ऑप्टिक नर्व्स एक्टिवेट होंगी, जिससे कि आपका दृष्टि क्षेत्र विकसित होगा, जो आपके मस्तिष्क में जो परसों भी बात आई थी साइंस के अंदर, दृष्टि क्षेत्र आपके कोर्टेक्स वाले भाग में है, मस्तिष्क के प्रह मस्तिष्क भाग में है, वह विकसित होगा जब मैं इस नाड़ी की साधना करता हूँ। और अगर मैं इसका दिव्य अनुष्ठान करता हूँ, क्या करता हूँ, अध्यात्म में जाकर के मैं इसकी साधना करता हूँ, तो उस समय तृतीय नेत्र खुलता है, शिव नेत्र खुलता है। तो उस समय जब मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो मैं उस दिव्य दृष्टि में अपने ईश्वर के दर्शन करता हूँ। अभी तो मैं आंखें खोलूँगा तो मुझे कौन नज़र आएगा, सामने राजेश जी नज़र आ जाएंगे, मीनू जी नज़र आ जाएंगी, ललित जी नज़र आ जाएंगे, फिर ये नेत्र आपके पीछे रह जाते हैं क्योंकि ये स्थूल रूप है। अब जब आप सूक्ष्म रूप में आपका तृतीय नेत्र खुलेगा तो आप अपने ईष्ट देव के दर्शन करेंगे। किसके दर्शन करेंगे, और ये ध्यान में संभव है, और कोई साधन है नहीं। जब तक तू भीतर नहीं उतरेगा तब तक ये क्रिया संभव नहीं है। सिर्फ अनुष्ठान का आध्यात्मिक पक्ष देखना है हमें, थोड़ा थोड़ा स्थूल पक्ष भी देख लेंगे हम। पूसा और यशस्विनी नाड़ी, बायां कान पूसा नाड़ी, दायां कान यशस्वी नाड़ी, ये नाड़ी नहीं है। यहाँ तक वो आपकी ऊर्जा बहती है, क्या होता है बोलिए, वो ऊर्जा बहती है, दिव्य ऊर्जा। जब मैं इन नाड़ियों का स्थूल रूप में इसकी साधना करता हूँ, किस रूप में करता हूँ, प्रारंभिक अवस्था में, तो आपके सुनने की शक्ति बढ़ती है, क्या होता है, सुनने की शक्ति बढ़ती है। लेकिन जब मैं इसका दिव्य अनुष्ठान करता हूँ, अध्यात्म में मेडिटेशन में बैठ करके मैं इन नाड़ियों का अनुष्ठान करता हूँ, तो उस समय आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ, जिसको सिद्धि भी कह सकते हैं हम, वो शक्तियाँ मेरे भीतर आने लगती हैं और मुझे अनहद नाद सुनाई पड़ता है। अनहद नाद मेरे ईश्वर की आवाज़ है, अनहद नाद अंतरंग शांति देने वाली ध्वनि है वो। ऐसी प्रतिध्वनि जिसके साथ किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये ध्वनि आई, दो हाथ टकराए तो ध्वनि आई, जीवा और होठ टकराए तो ध्वनि आई, स्वर यंत्र ने काम किया तो ध्वनि आई, लेकिन वो उस ध्वनि के लिए आपको इन सब की आवश्यकता नहीं होती, तो वो दिव्य ध्वनि कहलाती है, वो अनहद नाद कहलाता है। अंदर और बाहर जो सबको शांत कर दे उसे अनहद नाद कहते हैं। वो शक्ति मेरे भीतर जागृत होती है जब मैं पूसा और यशस्विनी नाड़ी का अनुष्ठान करता हूँ। ये है सूक्ष्म साधना, ये है अंतरंग साधना, ये है सच्ची साधना। भीतर का जगत, भीतर की दुनिया, शुरा नाड़ी जीवा से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, नहीं सॉरी, नासिका से जुड़ी हुई है। जब मैं इस नाड़ी की साधना करता हूँ स्थूल रूप में, तो मेरी घ्राण नाल सक्रिय बनती है। घ्राण नाल भी एक तरीके से नर्व की तरह समझ लो, जिससे कि जब कोई गंध लेता हूँ तो मेरे मस्तिष्क में घ्राण क्षेत्र तक संदेश लेकर के जाती है, घ्राण क्षेत्र तक, वही कोर्टेक्स वाले भाग हैं सारे स्थूल रूप में शरीर के भीतर। और जब मैं
इसका दिव्य अनुष्ठान करता हूँ, जब इसकी साधना करता हूँ, जब इसका ध्यान आध्यात्मिक रूप में करता हूँ, तो उस समय मुझे दिव्य गंध की अनुभूति होती है। महक जो आती है वो मुझे अपने ईश्वर की आती है। अब जैसे आपको हलवे की गंध आती है ना, तो ये स्थूल गंध है। क्या है ये? आपको कोई गुलाब के फूल की गंध आती है तो ये आपकी स्थूल गंध है। जब मुझे ईश्वर की दिव्य गंध आती है तो मुझे भीतर से आनंदित करने वाली होती है, वो मुझे अपने अंदर से आनंदित करने वाली होती है। सरस्वती नाड़ी, ये जीवा के अग्रभाग, तीन नाड़ियाँ यहाँ आसपास हैं, शूरा जो आपके नासिका से संबंध है, सरस्वती जो हमारी जीवा के अग्रभाग से, जहाँ से शब्द निकलते हैं। क्या निकलते हैं? शब्द निकलते हैं। जब आप इसकी साधना करते हैं तो आपके बोलने का तरीका बदल जाता है, कटुता आपके शब्दों से खत्म हो जाती है, आपकी वाणी में मिठास आ जाता है, आप दूसरों को आनंदित करने वाले शब्द अपने मुख से निकालते हैं। कई बार आप किसी को सुनते हैं, सुनने के बाद ये शब्द भी प्रयोग में लाते हैं कि उक्त व्यक्ति की जीवा पर माँ सरस्वती का वास है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। और स्थूल रूप में जब मैं, जैसे खेचरी मुद्रा है, जैसे हम इनका अभ्यास करते हैं, तो हमारे शरीर में एक वाणी क्षेत्र है, प्रमस्तिष्क वाले भाग में, क्या है? वाणी क्षेत्र है, वह प्रभाव में आता है। उसके प्रभाव में आने से आपके बोल स्पष्ट होते हैं, आप ठीक से, वहाँ दो क्षेत्र हैं वाणी से संबंधित हमारे मस्तिष्क के अंदर। एक वो जहाँ पर इन शब्दों को अनुभव किया जाता है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फिर उसकी अनुभूति भी होती है, कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, अभी पीछे मुझे एक शक हो गया था तो मेरे को शक नहीं हुआ, मेरे क्षेत्र ने उसको सही ढंग से एनालाइज नहीं किया और अनुभव नहीं किया, मैं फिर वापस गया और मैंने अपने उस क्षेत्र से पूछा इस नाड़ी के माध्यम से, वहाँ से प्रतिक्रिया मिली, नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो। जब हम हस्तजीवा और गंधारी नाड़ी के बारे में बात कर रहे थे तब मुझे एक शक हुआ था बोलने में। तो जो सरस्वती नाड़ी है, एक दो क्षेत्र मैंने यहाँ पर बताए, एक वो जहाँ पर हम इसको अनुभव करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको वहाँ स्टोर भी करते हैं, एक वो जो हमारे मुख से शब्द निकलते हैं उसके लिए। तो सरस्वती नाड़ी जिसकी सक्रिय होगी, तो अगर जब मैंने इसकी दिव्य साधना की तो आपके मुख से निकलने वाले सारे सामने वाले को भी ज्ञान कराने वाले होंगे, ज्ञान वाक्य प्रकट करने लगती है ये जीवा। क्या करने लगती है? ज्ञान वाक्य, जो दूसरों के जीवन को बदलने वाले वाक्य होते हैं। अपना जीवन तो बदलता ही बदलता है, आप एक ऐसी शुद्ध और पवित्र आत्मा बन जाती हैं जो कि दूसरों के जीवन को भी आप बदलने लग जाती हैं। सरस्वती नाड़ी की साधना, सरस्वती नाड़ी का अनुष्ठान, दिव्य अनुष्ठान, देखिए कितना बड़ा अध्यात्म है। ये सूक्ष्म प्राण की साधना है, प्राणायाम के अंदर किसकी साधना है? सूक्ष्म प्राण की। सूक्ष्म प्राण की साधना से यहाँ अभिप्राय ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर अनुभव करना, उसके विचरण को बढ़ा देना, उसकी मात्रा को बढ़ा देना, उसको जागृत करने लगा। वो तब तक जागृत नहीं हो सकता जब तक मेरा सुषुम्ना मार्ग जागृत नहीं होगा, वो तब तक जागृत नहीं हो सकता जब तक मेरे चक्र जागृत नहीं होंगे, वो तब तक जागृत नहीं हो सकता इन चक्रों से निकलने वाली असंख्य नाड़ियाँ और उपनाड़ियाँ आपकी ठीक नहीं होंगी, शुद्ध नहीं होंगी और पवित्र नहीं होंगी, आपने उसकी साधना नहीं की। लेकिन ये जितनी मैंने बात बतलाई ये तो मार्ग था, क्या था? मार्ग। और इनके अंदर बहने वाली जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसे यहाँ सूक्ष्म प्राण का नाम दिया गया है। आप इसको समझिए, ये विषय बड़ा गहन है। जब इतनी गहनता के साथ मैं आँख बंद करके 10 मिनट केवल इसी का चिंतन कर लूँ, ओम की ध्वनि भी ना करूँ, आप सच मानिए इससे बड़ा और सुंदर ध्यान धरती के ऊपर हो नहीं सकता।
अलम भूसा नाड़ी, जो आपकी टेस्ट बड्स है ना, स्वाद कलिकाएं, क्या बोला, स्वाद कलिकाएं, स्थूल साधना से वो सक्रिय बनती हैं। आप कहते हो ना खाना खा करके, आज तो हलवा बड़ा स्वादिष्ट था, मटर पनीर बहुत स्वादिष्ट था, ये कौन कहता है आपको? अगर आपकी स्वाद कलिकाएं और वहाँ से जो आपकी संवेदनी तंत्रिकाएं हैं वो अगर आपके स्वाद वाले क्षेत्र को, मस्तिष्क को, जहाँ पर स्वाद पीड़ा दर्द ठंड गर्मी का की अनुभूति होती है, अगर वहाँ संदेश ना दें तो आपको स्वाद का क्या पता चलेगा? हलवा भी फीका लगेगा आपको, आपको क्या पता इसमें मीठा डाला हुआ है? तो कोई तो बताता है ना आपको। तो आप जब अलम्बूसा की साधना करते हैं तो उसकी स्थूल साधना से आपकी ये क्रिया अच्छी बनती है। और आप सच मानिए, अगर अध्यात्म में मैंने इस नाड़ी की साधना करना सीख ली तो आपको विपरीत करने मुद्रा में एक अमृत रस की बात की थी, एक सोम रस की बात की थी, वो उस रस का रस स्वादन मुझे अलम्बूसा नाड़ी के माध्यम से होगा। परसों ये जिक्र या कल ये जिक्र आया होगा कहीं शिविर में, अमृत रस का। राका नाड़ी, राका नाड़ी मणिपुर चक्र इसका क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? मणिपुर चक्र इसका क्षेत्र है राका नाड़ी का, जो कि मुझे भूख प्यास की अनुभूति करवाता है, आभास करवाता है। आप कहते हैं बड़ी भूख लगी है, भूख दो तरह की होती है, एक स्थूल भूख एक आध्यात्मिक भूख। शब्दों पर ध्यान देना, स्थूल भूख आप खाना खाते हैं शांत हो जाती है, एक आध्यात्मिक भूख होती है। अगर आपकी सुबह समय पर आँख खुली कि मुझे ध्यान के कार्यक्रम में समय पर पहुंचना है, तो वो आपकी आध्यात्मिक भूख आपको इधर बढ़ा रही है। जब अलम्बूसा नाड़ी की का दिव्य अनुष्ठान होता है तो व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक भूख जागृत होती है। इसका आध्यात्मिक पक्ष जरूर देखना है आपको। आप देखते हैं कि ऐसे सत्संग में एक का मन लगता है और एक का मन, एक की नाड़ी जागृत है और एक की जागृत नहीं है। जब हम ऐसे वातावरण में रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये भूख हमारी बढ़ती चली जाती है, अर्थात यूँ कहिए कि ये नाड़ी जागृत होती चली जाती है। स्थूल भूख तो टेम्परेरी है जी, ये भूख तो वो है जो मुझे अपने ईश्वर तक ले करके जाती है, मेरे ईश्वर से मेरा साक्षात्कार। जब तक ये भूख पैदा नहीं हो सकती, ध्यान नहीं लग सकता, आप जितना मर्जी बैठ लें, और ये भूख आपको अपने ईश्वर को मिलाने में क्षण नहीं लगाती। विश्वोद्री नाड़ी, इसका क्षेत्र भी मणिपुर चक्र है। इसका क्षेत्र मणिपुर क्षेत्र है। मणिपुर क्षेत्र में ये भोजन जो पच जाता है उसको अवशोषित करने का कार्य करती है। क्या करती है? उसको अवशोषित करने का कार्य करती है। आप ये स्थूल पक्ष है इसका, आप इसका आध्यात्मिक पक्ष देखिए। जब आप ध्यान से उठते हैं तो आपका किसी से कुछ देर बात करने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? उस समय आप जो अध्यात्म में आपने सीखा और अनुभव किया उसको आध्यात्मिक स्तर पर अवशोषित कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, अपने भीतर उसको अनुभव कर रहे हैं।
तो वो शक्ति आपके भीतर आती है जब ये नाड़ी आपकी जागृत होती है। जितना आप स्थूल रूप में देखते हैं चीज़ें, वो सारी सूक्ष्म रूप में भी हैं। हम सूक्ष्म पक्ष की अनदेखी करते हैं, जिसके कारण हमारा आध्यात्मिक पक्ष अधूरा रह जाता है, या यूँ कहिए कि हम उसमें विकसित होने से वंचित रह जाते हैं। इसके बाद आती है शांखनी नाड़ी। कौन सी नाड़ी? शांखनी नाड़ी का जो क्षेत्र है वो मूलाधार चक्र है। उसका क्षेत्र क्या है? मूलाधार गुदा से जुड़ी है वो। मल का निष्कासन करती है। किसका करती है? मल का। तो हमारा कार्यक्रम क्या चल रहा है? चित्त शुद्धि साधना, आध्यात्मिक पक्ष। स्थूल मल भी शरीर से जाना अनिवार्य है, और दूसरा बोलिए, ये पचे हुए रस को का शरीर के अंदर वितरण करने के बाद जो मल है स्थूल रूप में उसको बाहर निष्कासन करती है उसका। ये इसका स्थूल पक्ष है। लेकिन इसका सूक्ष्म पक्ष फिर क्या हुआ कि ये मेरे सूक्ष्म मलों का, मेरे संस्कारों को काटने का, ऐसे समझ लीजिए, वृत्तियों को हटाने का, वृत्तियों का निरोध करने का सांखनी, वारुणी और कुहू। कितनी नाड़ी बोली मैंने? तीनों का मिलता जुलता काम है। तीनों का मिलता, तीनों का चक्र भी सेम है। शॉर्ट में कर दूं, एक मूत्र का निष्कासन काम करती है, एक रक्त और से मूत्र को अलग करती है, तो वो भी मल निष्कासन ही हो गया। और उधर हमारे शरीर में सूक्ष्म मल का साथ शोधन होता है इन नाड़ियों से। क्या क्या बोला मैं आपको? सांखनी, वारुणी और कुहू। एक नाड़ी और बचती है इसी क्षेत्र में, उसको, उसका संबंध जनन इंद्रियों से होता है, जननांगों से होता है, गोनेड्स से होता है। उसका संबंध वीर्य और रज से है। सामान्य व्यक्ति की ये दिशा अधोगामी होती है। जब हम साधना करते हैं तो इसकी दिशा बदलती है। कौन सी दिशा बन जाती है? यही तो सच्ची साधना है, शिवनी नाड़ी की साधना। किसकी साधना? शिवनी नाड़ी की साधना। आपको बतलाया है इसके बारे में भी, इन दो दिनों में इसकी चर्चा भी आई है। अगर आपको ना याद हो तो मैं याद दिला देता हूँ, आपको दो मुद्राएं करवाई थी, महामुद्रा और महाभेद मुद्रा। महामुद्रा और महिलाओं में भी और पुरुषों में भी, इन दोनों मुद्राओं का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अब आप यहाँ पर इसका मतलब समझें कि ये वीर्य और रज के ऊर्ध्वागमन का, जब ये इसका आध्यात्मिक पक्ष विकसित होता है तो कार्य करती हैं। उसके बाद थोड़ा शॉर्ट में ले लें क्योंकि विषय अधूरा रह जाएगा तो आनंद नहीं आएगा फिर आपको। ईड़ा, पिंगला, वज्र, चित्रा, ब्रह्म और सुषुम्ना नाड़ी। कितनी बोल दी? दोबारा बोल रहा हूँ, ईड़ा, पिंगला, वज्र नाड़ी, चित्रा नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ये सारी शक्ति नाड़ियाँ हैं। क्या हैं ये? शक्ति नाड़ियाँ हैं। जो मेरा मूलाधार चक्र है, उल्टी त्रिभुज है ये, उसके बाएं ऊपर वाले कोने से निकल करके चक्रों का भेदन करते हुए आज्ञा चक्र के बाएं पक्ष से वहां जाकर के इसका संगम होता है। संगम है वो, संयुक्त त्रिवेणी कहा गया है उसे। आज्ञा चक्र को मुक्त त्रिवेणी कहा गया है। और दाईं ओर से पिंगला नाड़ी, जो गर्म नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, गर्मी देने वाली नाड़ी है,
रज नाड़ी है, ओ रज वृत्ति नाड़ी है, वो सभी चक्रों का वेधन करती दाई ओर आज्ञा चक्र से में जाकर के उसका संगम होता है। और ठीक मध्य से जो गुजरी नाड़ी और सीधी सहस्रार चक्र तक चली गई, उसका नाम आप जानते हैं। इस सुषुम्ना नाड़ी पे तीन कवच चढ़े हुए हैं। इस बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूँ, क्या है, तीन कवच चढ़े हुए हैं, वज्र नाड़ी, चित्रा नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी। सबसे ऊपर का कवच जो है वो वज्र नाड़ी का है। वज्र बोलते हैं पत्थर को, मजबूत, और पत्थर की व्युत्पत्ति अग्नि से हुई है। किससे हुई है, अग्नि ना हो तो पत्थर नहीं बन सकता। कच्ची मिट्टी को अगर आप अग्नि में पका दो तो वो भी पत्थर जैसी बन जाती है। तो ये सूर्य का प्रतीक है वज्र नाड़ी। किसका प्रतीक है, शरीर में सूर्य का प्रतीक है। इसका लाल रंग है, कैसा रंग है, लाल रंग है। और उसके नीचे चित्रा नाड़ी है, चांदी जैसा रंग है इसका। कैसा है, शीतलता की प्रतीक है चित्रा नाड़ी, सफ़ेद रंग कह लो, चांदी जैसा, बोलते चांदी जैसा है। उसके नीचे ब्रह्म नाड़ी है, सब शक्ति नाड़ियाँ हैं ये, सब प्राणिक नाड़ियाँ हैं ये, सब में सूक्ष्म प्राण बहता है। अनजाने में हमारा ये प्राण जब व्यर्थ जाता है तो हम नास्तिक बनते हैं, सांसारिक बन करके अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं। और जब इन नाड़ियों की साधना करते हैं तो आप सच मानिए कि वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब चक्र वेधन करते हुए नीचे से ऊपर की ओर बहने लगती है तो सारे चक्र खिल उठते हैं, सारी पंखुड़ियाँ ऊपर की ओर उठ जाती हैं, उसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रचुर मात्रा में बहने लगती है। और यही सच्चा अध्यात्म है और यही साधना है, यही साधना है। उसके भीतर सुषुम्ना नाड़ी है, कुंडलिनी मार्ग है ये। मेरी माँ शक्ति इसी मार्ग से चलती है इस शरीर के भीतर, जो मेरे शरीर को जीवन शक्ति देती है। जब मैं ध्यान में बैठ करके इन शक्तियों का, इन नाड़ियों का, इस ऊर्जा का ध्यान करता हूँ तो मेरे शरीर को ब्रह्म रंध्र से भीतर प्रवेश करने वाले व्यष्टि प्राण का अति सूक्ष्म रूप इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की शक्ति मुझे अधिक मात्रा में मिलने लगती है, जो मेरे आध्यात्मिक पक्ष को विकसित करती है। ये एक बहुत ईश्वरीय मार्ग, जिसको कहते हैं हम, बहुत उच्च कोटि का मार्ग है। ईश्वर के साथ जब आप बात करते हो तो सीधे बात होने लगती है, ये अवस्था आ जाती है। लेकिन श्रद्धा भी तो होनी चाहिए, बिना श्रद्धा के तो कोई जागृत कोई चीज़ होती ही नहीं। एक भगवान जी के भक्त थे, क्या थे, और भगवान जी उनकी भक्ति से इतने खुश हो गए कि उनकी बातचीत होने लगी आपस में, जैसे दो दोस्त करते हैं। तो भगवान जी भी अपने भक्तों से, दिल तो भगवान का भी है, वो भी दे देता है अपने भक्त को। देखो ना, अर्जुन के साथ दोस्ती कर ली, जब अर्जुन को ज़रूरत पड़ी तो कहता है मैं तेरा सारथी बनूंगा और तू पीछे बैठ। भगवान जी तो हर तरह से सहायक हैं। तो जब भगवान और भक्त की रोज़ बात होती, खूब गप्पे मारता वो, जैसे आप और हम मारते हैं गप्पे। मारते मारते एक दिन भक्त के मन में आया, मैं तो बाज़ार में भी घूमता हूँ, चारों तरफ घूमता हूँ, और भगवान जी बेचारे मंदिर में एक जगह स्टैचू बन कर के खड़े रहते, इनका भी तो मन करता होगा ना। तो एक दिन उन्होंने बात करते करते भगवान जी को कहा कि भगवान जी, आप मेरी सारी बात मानते हो, मेरी एक इच्छा है वो पूरी कर दो। भगवान जी बोले, बोलो भक्त क्या चाहते हो। कहने लगे, मैं ये चाहता हूँ कि एक दिन आप बाज़ार घूमाओ और आपकी ड्यूटी मैं कर दूँगा, मंदिर में तो खड़े होना है ऐसे हाथ करके, तो मैं आपका काम कर दूँगा। भगवान जी बोले कि ये तो संभव नहीं है, मुझे लोग जो आते हैं वो कामना लेके आते हैं, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, उनकी कामना पूरी करता हूँ, और मुझे ये सब कुछ व्यवस्थित करना होता है, समाज में सबको देखना होता है, कहीं किसी को कोई पीड़ा ना हो, पीड़ा है तो उसको ख़त्म करना होता है। कहने लगे, नहीं भगवान जी, आप
मेरी इच्छा पूरी करो और मैं आपका काम कर दूंगा एक दिन, और मैं आशीर्वाद दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। कहना फिर एक शर्त है। कहते क्या? कि देखो मेरे पास कोई भी मंदिर में आता है, मैं मुंह से बोलता तो नहीं ना, तुम जो है ना सारा दिन जब तक मैं वापस नहीं आऊं बोलना नहीं है तुम्हें, कुछ भी परिस्थिति हो जाए बस तुम ऐसे रहना। ड्रेसेस चेंज हो गई, अब भगवान जी घूमने के लिए चले गए बाजार, और भक्त जी क्या बन गए? भगवान बन करके अपना खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए इतनी देर में एक सेठ जी आए, और सेठ जी की फैक्ट्री का मुहूर्त था उस दिन, मत्था टेकने के लिए आएंगे सेठ जी। वैसे भगवान को याद करें या ना करें, ऐसे मौके पर तो जरूर करते हैं। अब सेठ जी आए और मत्था टेका, और मत्था टेक के बोला कि हे प्रभु, आज मेरी फैक्ट्री शुरू हो रही है और उसमें मेरे को कामयाबी देना। उन्होंने बोलना तो था नहीं अपना, वो तो ऐसे खड़े रहे। तो जैसे वो नीचे झुके, इस जेब में नोटों का भरा हुआ पर्स था, वो नीचे गिर गया और सेठ जी चले गए। इतने में पीछे पीछे एक गरीब आया। जब गरीब आया, उसको 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था घर में, और हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु 3 दिन से मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया और मेरी कुछ मदद करो। और यूँ कह करके नीचे झुका। हाँ, मुझे पता है आप सारे ज्ञानी हो। नीचे झुकते ही क्या मिला? पर्स मिला। कहते हे प्रभु तो कितना अच्छा है, जैसे मैंने कहा तभी नोटों का भरा हुआ तूने मेरे को पर्स दे दिया। कूदता हुआ गरीब गया और माल वाल लाया, उस दिन तो खरी खीर बनी, जैसे नहीं यहाँ बनेगी आज खीर बनी, मटर पनीर की सब्जी बनी। तो इतनी देर में एक नाविक आया जिसने समुद्री जहाज लेकर के विदेश जाना था। तो उसने कहा, प्रभु मेरा जहाज ऐसे एरिए से जाएगा जहाँ तूफान बड़े बड़े आते हैं, डाकू लुटेरे रास्ते में मिलते हैं और वो जहाज के जहाज को लूट लेते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सुरक्षित रखना और मैं अपने परिवार को, 6 महीने का मेरा रास्ता है और 6 महीने के बाद मैं वापस लौट आऊँ। इतने में वो बस प्रार्थना कर ही रहा था, क्या देखा कि सेठ जी पुलिस लेकर के मंदिर में आ गए। सेठ जी पुलिस लेकर के मंदिर में आ गए, और जैसे मंदिर में लेके आ गए तो सेठ जी ने कहा कि ये तो अभी अभी गिरा था जी, यहाँ तो तब तक कोई आया ही नहीं, ये जो खड़ा है ना इसी ने मेरा पर्स चुराया है। और जैसे पर्स का नाम लिया, पुलिस ने उठा करके और उसको पकड़ लिया। किसको? हाँ, तो जैसे उसने पकड़ा तो उन्होंने कहा ये तो हद हो गई, ये तो गलत है बिल्कुल। अभी राम सिंह उठा करके ले गया था पर्स, तो एक ही तो गांव था और उसको तो मैं जानता हूँ। उन्होंने तुरंत बोल उठे, कहते ठहरो, इसने नहीं चुराया इसका पर्स, ये तो राम सिंह उठा के ले गया जी। वो छूट गया। शाम को भगवान जी घूम के आए बड़े, उन्होंने कहा भगवान प्रभु घूमाए? कहता हाँ घूमाए। आनंद आया? कहता हाँ आया। कहता मैंने भी प्रभु आपकी ड्यूटी जम के की? कहता बिल्कुल सही की। कहता हाँ, बस एक बार मुझे बोलना पड़ा क्योंकि प्रभु वो अन्याय हो जाता। कहता क्या बोला? उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। कहता कि तूने सारा गुड़ गोबर कर दिया। कहता क्यों? कहते यूँ कि ये व्यवस्था तो मैं सारी करके गया था, ये व्यवस्था तो मैं सारी करके गया था घूमने। वो गरीब दुनिया, वो जो सेठ है वो दुनिया का पैसा गलत ढंग से भी कमाता था, अगर उसका एक पर्स गुम जाता नोटों का तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, और गरीब के घर में चूल्हा जल जाता तो क्या गलत था? वो मैंने इंतजाम किया था, और नाविक को पुलिस को पकड़ के लेके जाना चाहिए था, वो मैंने व्यवस्था की थी ताकि वो अंदर हो जाए, क्योंकि जिन दिनों जहाज वहाँ से जाना था वहाँ तूफान आना था और उसकी मौत होनी थी, उससे बचाने के लिए मैंने ये व्यवस्था की थी, तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी। आप समझे ये इसके पीछे भाव क्या है? कि मेरा ईश्वर अगर मुझे कष्ट भी देता है ना, अगर मेरा ईश्वर मुझे कष्ट भी देता है ना, उसके पीछे भी आप समझना कि उसकी कोई अच्छी व्यवस्था होती है, इसलिए मुझे अपने प्रभु के ऊपर कभी शक
नहीं करना चाहिए। एक बार खड़े हो जाएंगे।